राजधानी में अपराध और उसकी नेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है। साइबर के साथ अवैध आर्म्स का काला कारोबार भी यहां खूब बढ़ा है। इसको देखते हुए पुलिस भी अपनी रणनीतियों में लगातार बदलाव कर रही है। रांची सिटी एसपी ने क्राइम मीटिंग बुलाई, इसमें डीएसपी और थानेदारों के साथ कार्यालय की मुंशियों की क्लास लगाई गई। जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया। तो लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उस अपराध ग्राफ को कम करने के लिए और साथ ही समाज को एक बेहतर सुरक्षित माहौल देने के लिए ये अहम बैठक बुलाई गई और इस दौरान बहुत लोगों की क्लास भी लगी है। आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। हर माह जो हम इस अपराध गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिससे कि हम लोग पूर्व माह में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगे आने वाले जो माह है उसमें क्या हमारा लक्ष्य रहेगा, क्या हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी, उसको लेकर के हम लोग विचार विमर्श करते हैं। इसी में हम लोगों ने आज चर्चा की है। इससे पूर्व माह में जितने भी काम किए गए थे, जैसे कि अनुसंधान को लेकर के कितने कांड का निष्पादन हुआ, अपराध नियंत्रण में अगर हम देखें तो कितने संपत्ति मूलक कांडों में जो अपराध कर्मी उनका सत्यापन किया गया, या तकनीकी अगर हम देखें तो सीसीटीएनएस और अन्य इस तरह के कार्य जो है उसमें क्या स्थिति रही, उसको लेकर के निर्देश दिए गए थे।